नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पावटा चौराहे पर। सरकार द्वारा जो है लॉकडाउन लगाया गया है 3 मई तक, और इसके अंदर जो है जो फल सब्जी दूध जो भी हैं उनको छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग भी हैं उनको जो छूट है, परिवहन में छूट दी गई है, और टीकाकरण के लिए जा सकेंगे तो बताया गया। मगर अभी पावटा चौराहे की आप देखें ये स्थिति है, आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो हैं उसके अलावा भी जो है कुछ शॉप्स खुली हुई हैं। दो दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद में अभी बढ़ाया गया लॉकडाउन। अभी सुबह के 7:23 हुए हैं और ये पावटा चौराहे का नज़ारा है। कुछ दुकानें बंद हैं मगर कुछ जो है वो अभी दुकान खोल के बैठे हैं। ये देखिए आप, लाल जूस कॉर्नर है, इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी जो हैं वो, प्लस किराना वगैरह खुले रहेंगे। इन शॉप्स को खुलने की परमिशन है लेकिन फिर भी दुकानें कुछ जगह तक खुली हुई हैं। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने जो है वो चिंता का, सबको चिंता में डाल दिया है, और सरकार ने जो है वो काफ़ी दिन से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि एक लंबा जो है वो लॉकडाउन लगाया जाएगा, और ये कुछ छूट के साथ जो है लॉकडाउन लगाया गया है। जो 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया उसमें रिकॉर्ड 10,000 केस आए, इस कारण जो है वो लॉकडाउन में जो है वो लगाया गया है। अभी 1200 जो बेड, 167 जो है वेंटिलेटर और 250 आईसीयू बेड वाला सबसे बड़ा कोविड अस्पताल जो है वो RUHS जो है फुल हो गया। अब बरामदों में 70 बेड लगे हुए हैं, ये हकीकत है जो बयान कर रहे हैं हम। एक ही दिन में 7,000 से ज़्यादा एक्टिव जो है रोगी बढ़े हैं। प्रदेश में कोरोना के नए आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। रविवार को 10,000 के पार जो है वो आंकड़ा चला गया था, और मौत 24 घंटे के अंदर जो है वो 42 मौत हो गई है। जयपुर में एक ही दिन में 1963 नए रोगी मिले हैं। पिछली बार 4 जिलों में 1,000 से अधिक जो है वो रोगी मिले थे। कोटा में भी एक ही दिन में करीब 13 मौतें हुई थी। उसे देखते गहलोत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, और जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो है वो सोमवार सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक जो है वो बाज़ार बंद कर दिए गए हैं। दूध, फल, सब्जी,
दवा गैस जैसे जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान वहीं प्रतिबंध रहेंगे जो पिछले दो दिन से लॉकडाउन में जो है कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध थे, वही प्रतिबंध जो है बताया गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नज़ारा अलग हो रहा है और मॉर्निंग में शायद या तो लोगों को पता नहीं होगा, इस कारण कुछ दुकानें खुली हुई हैं शहर के अंदर और लोगों का आवागमन चालू है। अरे साइड में ठेले वगैरह लगे हुए हैं मॉर्निंग नाश्ते के, और चाय की दुकानें भी खुली हुई हैं। बता रहे हैं आपको शहर का जो भी हाल है, अभी शहर में ट्रैफिक का क्या हाल है, दुकानें खुली हैं नहीं खुली हैं, तो नई गाइडलाइंस आई उसमें 3 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि जितना कल ट्रैफिक था उससे ज़्यादा है आज ट्रैफिक, और कुछ दिन पूर्व जो था वो ट्रैफिक जो है ज़्यादा था, कल बिल्कुल कम हो गया था, आज वापस संख्या वाहनों की बढ़ी है। हो सकता है कि शायद उनको उतना ध्यान नहीं हो और लोग जो है बाय डिफॉल्ट ये गलती से निकल गए हों। अभी हम पहुंच चुके हैं पब्लिक पार्क, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। बैंक से जुड़े हुए लोग जो हैं वो जा सकते हैं। और सिनेमा हॉल, जिम, मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे। सोस्ती गेट पहुंच चुके हैं, ये
मैक्सिमम मार्केट जो आप देखें पूरा मार्केट बाजार बंद नजर आ रहा है, हालांकि अभी खुलने का समय नहीं हुआ। और सुबह के करीब 7:30 बजे हैं, इक्की दुक्की दुकानों को छोड़ के बाकी पूरा मार्केट बंद है। देखिए आप, ये दुकानें केबिन लगे हुए हैं, अब देखिए ठेले वगैरह जो हैं खुले हैं, हालांकि उसमें चाय बीड़ी गुटखा सिगरेट जो हैं वो बिक रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा बाजार बंद है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य सरकार ने जो है 3 मई तक जो है लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन में आवश्यक सर्विसेज में छूट दी गई है, दूध किराना संबंधी दुकानें खुली रहेंगी, फल सब्जी की भी खुली रहेंगी। और ये एक्सपेक्टेड था, मतलब जैसा लगातार आंकड़े जो कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे थे उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन जो है बढ़ाया जाएगा, यानी 3 मई तक लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया। अभी हम पहुंच चुके जालोरी गेट पर और पूरा बाजार बंद है। पुलिस तैनात है यहाँ पे चौराहे पर। हम चौपासी रोड पहुंच गए और आप देखिए IDFC बैंक के पास में पूरा बाजार जो है बंद है।
पहुंच चुके सरदारपुरा। सरदारपुरा बी रोड पे हम हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से सरकार ने जो है डिसीजन लिया कि 3 मई तक लॉकडाउन जो है लगा दिया गया। और अब जिस हिसाब से आंकड़े पूरे देश में आ रहे हैं, हर राज्य के अंदर, दिल्ली में भी स्थिति जो है वो नाजुक है। और अब संक्रमण जो है उससे बचाव जो है वो एहतियाती बचाव है। देखिए पूरा बाजार सुनसान है, अभी जलजोग चौराहे पर हमें हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने जो है सरकार को चिंता में डाल दिया। और लॉकडाउन की जो है घोषणा कर दी गई, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद स्थिति और भयावह हो सकती थी। तो स्थिति भयावह जो है हो सकती थी, इस कारण जो है सरकार ने जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और स्थिति नाजुक है तो आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप सेफ्टी मेजर्स को जो है वो फॉलो करके चलें और अपने अपनी जो है अपनी सेफ्टी रखें, यही एक बेस्ट ऑप्शन है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने सरकार को चिंता में डाल दिया था। और अभी सीएम गहलोत का जो कोरोना को लेकर बड़ा फैसला जो है वो हुआ है, और गृहमंत्री ने जारी की गाइडलाइंस। अब जन अनुशासन पखवाड़ा जो है घोषित किया गया है, शाम तक असमंजस के बाद रात को जो है वो सख्त हुई सरकार। आज से 3 मई तक जो है वो सख्त कर्फ्यू की जो है घोषणा कर दी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर जो है रहेंगे बंद। सभी स्कूल, सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, बाजार प्रतिष्ठान, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। कोरोना का जो तांडव हो रहा था उसमें 10,262 प्रदेश में एक ही दिन में नए केस आए हैं। 42 की मौत, ये बीते 2 माह में जितने संक्रमण एक दिन में उससे ज़्यादा जो है वो संक्रमण हो गए थे।
यानी आप देख ले जिस लेवल पे अभी कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई पे जो है अपने कार्य किए गए हैं। सब्जी फल किराना सामान जो शाम 5 बजे तक जो है बेचे जा सकेंगे, ठेला रिक्शा ई रिक्शा ऑटो रिक्शा आदि जो है शाम 7 बजे तक जो है उसकी अनुमति रहेगी। तो आप देखें लगातार जो है कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जारी कर्फ्यू को लेकर उन्हें रविवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया लेकिन 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लगाकर लगातार सख्त पाबंदियां लगाई हैं। यह पखवाड़ा सोमवार सुबह 5 बजे से 3 मई तक 5 बजे तक लागू रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके पहले की तरह आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। वहीं प्रदेश में सभी कार्यस्थल व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में भी 3 मई तक जो है वो बंद रखा गया। गाइडलाइंस में शादी समारोह अंतिम संस्कार और अन्य आयोजनों के लिए पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग जो हैं वो लोग शामिल रह सकते हैं। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति जो है वो मिलेगी। जिला प्रशासन गृह वित्त मंत्री ये जो है वो खुले रहेंगे, आपको बता देते हैं। जिला प्रशासन गृह वित्त पुलिस जेल होमगार्ड कंट्रोल रूम वॉर रूम नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नगर निगम नगर विकास न्यास विद्युत पेयजल स्वच्छता टेलीकॉम मेडिकल विभाग केंद्र की जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी जो है कार्यालय बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट सभी यात्रियों को 72 घंटे तक RTPCR नेगेटिव टेस्ट जो है रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई। सभी प्राइवेट जो है अस्पताल लैब और संबंधित जो कर्मियों को छूट मिलेगी। खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान मीडिया फल एवं सब्जी डेयरी एवं दूध पशु आहार से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ठेले साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक सब्जियां एवं फल बेचे जा सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी आवश्यक अवकाश के खुली रहेंगी। फार्मास्यूटिकल्स दवा एवं चिकित्सा उपयोगों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। दूर संचार इंटरनेट सेवाएं डाक सेवाएं कुरियर सुविधा प्रसारण एवं केबल सेवाएं ITI एवं IT संबंधित सेवाएं जो खुली रहेंगी। बैंकिंग सेवाएं हेतु बैंक ATM एवं बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जो है खुली रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जो है खुली रहेगी। तो ये जो है अभी सर्विसेज जो हैं वो खुली रहेंगी और आप देखिए जिस लेवल पे जो है वो कार्रवाई की गई है 3 मई तक लॉकडाउन के लिए तो वो एक कंसर्न है। आपसे भी निवेदन नमस्ते राजस्थान के मंच के माध्यम से कि कृपया करके आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं और उसकी पालना करें और सेफ रहें। खबरों का इंटरव्यू का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत नमस्ते राजस्थान।